हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर मैंने ज़ीरा को सोख करके रखा था रात में। नॉर्मली मैं रोज़ नहीं पीती हूँ, लेकिन अगर कभी पीने का मन भी किया तो जब पानी को उबाल करके उसको नॉर्मल करके पियो तो काफ़ी लेट हो जाता है, तो इसलिए मैंने रात में ही सोख कर दिया ताकि सुबह में पूरा इसको बॉयल ना करके जस्ट इसको वार्म करके और हम दोनों पी सकें। तो इसको मैं यहाँ पर गर्म करने के लिए रख दे रही हूँ। और रात में मैंने यहाँ पर इमली सोख करके रखा है, ये बिना सीड वाली इमली है, बहुत आराम से सोख हो जाता है। मुझे एक्चुअली आज एक रेसिपी बनाना था राइस के साथ, बट मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, आई डोंट वांट टू ईट दैट टुडे। उनको आज पनीर का पराठा खाना था लंच बॉक्स में, तो फिर मैं फ्रिज में पनीर रखा हुआ था तो मैं ले आ करके उसको यहाँ पर ग्रेट करके और पराठा की स्टफिंग पूरा रेडी कर दी, और लंच के लिए मैंने वही बनाया। जो इमली था उसको मैंने फ्रिज में रख दिया, अगर टाइम मिलेगा तो आज उसका पल्प निकाल करके और मिक्सचर रेडी करके रख दूँगी, या फिर उसको सीधे कल ही करूँगी। ब्रेकफास्ट में आज डोसा है तो उसके साथ मैं चटनी बना रही हूँ। तो ये एक बहुत क्विक सी चटनी है, बहुत आराम से जल्दी से बन जाती है। तो यहाँ पे मैं मिक्सी जार में भुने हुए चने ले रही हूँ, उसके साथ इमली, नमक, ज़ीरा और कुछ हरी मिर्च, ये सारे थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे तो ये एक क्विक सी चटनी बन जाती है। तो यहाँ पे चटनी को पीस दिया है मैंने, उसके बाद मैं इसको तड़का लगा करके और इसको मैं दे दूँगी ब्रेकफास्ट में खाने के लिए सबको। तो यहाँ पे शाम के टाइम पे मैं अपनी ग्रॉसरीज चेक कर रही थी, जो कि आपने लास्ट वीडियो देखा है शॉपिंग का, उसके पहले का ये व्लॉग है। तो इस दिन मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि ग्रॉसरी में जाने से पहले मैं सारी चीज़ों को चेक कर ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे पेपर में दो कॉलम बनाई हूँ, एक नीड टू फिनिश जो कि नियर बाय डेट हो जाता है या उसको जल्दी से फिनिश करना है, या किसी पैकेट में हाफ जो हम लोग पैक करके रख देते हैं वैसा टाइप का। दूसरा अवेलेबल, क्योंकि न्यू मंथ शुरू हो गया है तो इसके लिए शॉपिंग करना होगा, तो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें ना खरीदूँ, इसलिए यहाँ पे अलग से एक कॉलम बना करके रख ले रही हूँ मैं। और जैसे कि दो तीन पैकेट्स हो ना, तो पैकेट्स पर लिख लेने से आराम रहता है कि कितने केजी हैं सामान, एक पैकेट है, दो पैकेट है, और जो भी रिफ़िल करना है वो सब मैं रिफ़िल भी कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें निकाली हैं जिनको कि रिफ़िल करना है या जल्दी से फिनिश करना है। तो जो भी चीज़ें रिफ़िल करनी है उनको मैंने फ़िल कर दिया है बॉक्सेस में, और जैसे कि कुछ बॉक्सेस होते हैं कि उनको रिसेंटली ही मैंने वॉश किया है, उसको मैं ऐसे ही फ़िल कर देती हूँ। जिसको मैं काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ उसको मैं साफ़ करके, ड्राई करके और फिर उसके बाद फ़िल करती हूँ। ग्रॉसरीज़ में जाने से पहले अगर मैंने गलती से कभी चेक नहीं किया तो हमेशा मैंने देखा है कि या तो सामान बहुत ज़्यादा आ जाता है, डबल ट्रिपल आ जाता है, और जो चाहिए होता है एग्जैक्टली वो हमारे घर में नहीं होता है, तो फिर से जाना पड़ता है या भेजना पड़ता है या ऑर्डर करना पड़ता है। तो इसलिए जब भी ग्रॉसरी का प्लान करें, ज़रूर से 10-15 मिनट टाइम लेकर के अपना पूरा ग्रॉसरी चेक कर लें, अपनी पैंट्री एरिया को चेक कर लें, और जो भी बॉक्सेस में सामान वगैरह हैं अगर वो ख़त्म होने वाला है तो उसको वॉश करके बॉक्सेस को टाइम टू टाइम ड्राई करके रख दें। और ये है दूसरे दिन का क्लिप। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज मैं वो इमली वाली रेसिपी बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले चावल को मैं यहाँ पे कुक करूँगी। तो चावल में जितना पानी डालते हैं उससे थोड़ा सा पानी कम डालने से क्या है, चावल मशी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा जो पका हुआ चावल होता है लेकिन खिला खिला होता है वैसा चावल होना है। तो यहाँ पर मैं चावल को बिना भिगोए और कुक कर लूँगी। उसके बाद इमली का पल्प मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, उसके बाद इसमें डालना है हल्दी, नमक, और इसके साथ यहाँ पे ढेर सारी ग्रीन चिलीज़ डाल के इसको बॉईल करना है और पूरा इसको थिक करना है। तो ग्रीन चिलीज़ मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि बच्चा है घर में तो वो तीखा नहीं खाएगा, तो मैं क्या करूँगी तड़के अलग अलग डालती हूँ, जिसमें कि ग्रीन चिली बहुत सारा डालना होता है तो वो मैं हमारे तड़के में डाल देती हूँ। यहाँ पे मैं अच्छे से इसको बॉईल कर रही हूँ, पूरा थिक होना है। तो इसको जब बॉईल कर लेते हैं तो यहाँ पे इसको स्टोर भी किया जा सकता है, बॉईल करके ठंडा करके किसी एयर टाइट कंटेनर में करके इसको फ्रिज में रखा जा सकता है, आराम से ये एक महीने तक चलेगा, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। और जब भी चावल बच जाए और कुछ स्पेशल खाने का मन करे तो बस चावल में इसको मिक्स करके और तड़का डाल दो, एकदम अच्छी सी टेस्टी सी रेसिपी रेडी हो जाती है। तो ये इमली वाला पल्प जब तक ठंडा हो रहा है और चावल ठंडा हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट में जो कल का डोसा बैटर थोड़ा सा बच गया था उसी में मैंने सोक्ड चना डाल करके, प्याज, मिर्च और करी पत्ते ये सारे डाल करके, और इसका मैं मोटा मोटा सा उत्तपम जैसा डोसा बनाती हूँ, और ये भी बहुत टेस्टी, मेनली ये हाई इन प्रोटीन होता है तो इसको हमारे घर में बहुत पसंद करते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको बना रही हूँ। अब चलते हैं तड़के की तैयारी करने। तो तड़के में यहाँ पे मैं कढ़ाई में तेल डाली हूँ, तेल डालने के बाद इसमें मूंगफली डाल करके लो फ्लेम पे अच्छे से भूनना है, उसके बाद इसमें मैंने काजू डाल दिया है,
थोड़ा सा चना दाल, थोड़ा सा उड़द दाल, इन सबको अच्छे से भूनना है। टाइमिंग का ध्यान रखना है यहाँ पे, हर जो सामान है इन सब का कुकिंग टाइम अलग होता है, तो उसी हिसाब से ऐड करना है। उसके बाद इसमें डाला है मैंने सरसों के दाने, ज़ीरा, और ये सब डाल के ग्रीन चिलीज डाल के इसको भूनी हूँ। जो इसमें ग्रीन चिली है इसको अच्छे से भूनना है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ग्रीन चिलीज काफ़ी लेट में डाला है। इन सब के साथ अगर मैं फ्राई करूँगी तो जो मूंगफली और कैश्यूज़ है ना वो जल जाएगा। तो मैंने फिर साइड से मूंगफली और कैश्यूज़ को, जो भी तड़के वाली चीज़ें थी उन सबको मैंने निकाल दिया, जितना मैं निकाल सकती थी मैं निकाल के एक प्लेट में रख दी। और इसमें मैं करी पत्ता और ग्रीन चिलीज़ को अच्छे से फ्राई की हूँ। उसके बाद इसको स्विच ऑफ कर दिया है मैंने। और दूसरे साइड यहाँ पे इमली का जो पल्प है उसको मैंने थोड़ा सा निकाल करके साइड में रख दिया, क्योंकि अगर कम हो या ज़्यादा हो बाद में ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा चावल डाल करके अच्छे से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें तड़का डालना है। तो यहाँ पे नमक भी चेक कर लें, नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए और खट्टा भी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब सब चीज़ें मिक्स करो तो नमक और खट्टा ये दोनों कम हो जाता है। इसलिए इस पल्प को थिक बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पानी पानी जैसा रहेगा तो चावल में मिक्स करने के बाद वाटरी वाटरी सा हो जाता है। इसलिए ये पल्प जितना थिक बनता है उतना ही टेस्टी बनता है खाना। फिर उसके बाद इसमें अच्छे से चावल और इमली ये सब मिक्स होने के बाद इसमें तड़का डाल करके अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। एंड दिस इज़ द रेसिपी, जिसको भी खट्टा खाने का मन करे, जिसको भी थोड़ा सा टेस्टी खाने का मन करे, या फिर आप जर्नीज में आराम से इसको ले जा सकते हैं। तो यही था आज का ब्लॉग। ये थोड़ा सा पहले वाले ब्लॉग से लेट हो गया, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिर से मिलती हूँ मैं आप लोग के साथ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।